गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 8 सर्वनाम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लास्ट पढ़ते आए हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा भी किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम जो होता है उसके स्थान पर जब हम कहते हैं कि यह मेरा है, वो मेरा है, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, इधर आइए, उधर जाइए, ये जो इधर उधर, यहाँ वहाँ, यह मेरा, मैं तेरा, ये जो शब्द है ये सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम की जो परिभाषा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, हम, वह, यह, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, आगे, पीछे, इत्यादि, ये बहुत सारे शब्द होते हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं, जिसमें है सबसे पहले पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, थर्ड निश्चयवाचक, फोर्थ प्रश्नवाचक, फिर संबंधवाचक, सिक्स निजवाचक। अब हम सबसे पहले आपको बताएं पुरुषवाचक क्या होता है। पुरुषवाचक आपने देखा होगा संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत के जो धातु रूप होते हैं उनमें जो शब्द रूप है उनमें विभक्तियां चलती हैं और धातु रूप है उनमें पुरुष चलते हैं। तो उसमें होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन पुरुष का कहने का मतलब ये होता है, इसकी परिभाषा हम ये लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति बोलने वाला और सुनने वाला जब बात करते हैं तो वो पुरुष कहलाते हैं। जो बोलने वाला है वो क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष। बोलने वाला क्या कहलाता है, प्रथम पुरुष। और जो सुनने वाला है, सॉरी, जो बोलने वाला है वो कहलाता है उत्तम पुरुष, और जो सुनने वाला है वो कहलाता है मध्यम पुरुष। और उसके अलावा जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो कहलाता है अन्य पुरुष। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ और आप मध्यम पुरुष है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, सर्वनाम की। तो जो सर्वनाम है वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष। इस प्रकार जो पुरुष है वो हम इस प्रकार पहचानते हैं कि कौन किस कैटेगरी में आता है। जैसे मैं, मेरा, ये हम आएंगे उत्तम पुरुष में। उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारे, ये आएगा मध्यम पुरुष में। वह, यह, वहां, आह, तुम्हारा, आपका, ये सब जो शब्द हैं वो आते हैं अन्य पुरुष। अब आते हैं सेकंड निश्चयवाचक। जब हम किसी वस्तु की या व्यक्ति की या स्थान की निश्चित रूप से ये कहते हैं कि हाँ ये मेरा पेन है। जैसे हम कहते हैं किसी का भी पेन, कोई वस्तु अगर पड़ी होती है, पूछा जाता है ये किसका है, तो जिस व्यक्ति का होता है वो निश्चित रूप से कहते हैं ना, हाँ ये मेरा पेन है, यह मेरा घर है, यह मेरा बैग है, यह मेरी पुस्तक है, वह रवि की मम्मी है। तो उस स्थान पर आदमी खड़ा है, तो जब हमको क्लियर है कि उस स्थान पर आदमी खड़ा है तभी तो हम कह रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये हमारे किस में आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझिए कि क्या होता है। अनिश्चयवाचक जब हम कहते हैं यहाँ, कोई, किसे, कैसे, कभी भी, तो ये जो शब्द है ये हमारे अनिश्चितता को प्रकट करते हैं। जो चीज हमें निश्चित रूप से नहीं पता होती है और हम उसका अंदाजे से कहते हैं कि हाँ वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं, तो कुछ का मतलब हमें गिनती नहीं पता है और कितने लोग खड़े हैं ये नहीं पता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई आया है, हमें नहीं पता कि कोई वो स्त्री है या पुरुष है या बच्चा है, तो हम कह देते हैं कोई आया है। ये सवाल कि इन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब दीजिए, तो इन्हीं मतलब आपको जो आते हैं वो ही देंगे, हमें नहीं पता कि आप कौन से प्रश्नों का जवाब देंगे। तो ऐसे जो शब्द हैं वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि आप इसके शब्द से, इसके नाम से आप समझ रहे होंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें किसने बुलाया, आप कहाँ गए थे, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, वाक्य होते हैं, वो हमारे किस कैटेगरी
संसार में ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमारे कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे छत के ऊपर बंदर बैठा है, तो बंदर कहाँ बैठा है? छत के ऊपर। रवि नदी के पास खड़ा है, तो के पास, के ने उसका संबंध जोड़ा है। उसकी मम्मी इधर आई है, तो किसकी मम्मी आई है? उसकी मम्मी। तो का की के रारी के जो कारक चिन्ह है वही आपका आपके संबंधवाचक सर्वनाम में उपयोग किए जाते हैं। और सबसे लास्ट बचता है निज। निज मीन्स अपना, स्वयं का। तो जब हम अपने लिए कोई बात कहते हैं या कोई काम करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम अपना काम स्वयं करो, तो स्वयं करो मतलब तुमको अपने से करना है। मैं अपना खाना अपने आप बनाती हूँ, तो ये शब्द क्या है? हमारे निजवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम शब्दों को ही हम क्या कहलाते हैं? कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। आपको समझ में आ गया होगा क्लास? और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं। इसमें सबसे आपको प्रश्न के जो सर्वनाम है इसमें पुरुष याद रखना रहता है कि प्रथम पुरुष में कौन, जो उत्तम पुरुष है वो कौन है? मैं। जो काम करने वाला होता है, बोलने वाला जो होता है, वक्ता जो होता है वो कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है। वक्ता मीन्स बोलने वाला, और श्रोता मीन्स सुनने वाला। जो सुनने वाला और श्रोता है वो कौन है? मध्यम पुरुष है। और जब वक्ता किसी तीसरे की बात करता है, किसी अन्य की, जैसे मैं रवि और कृष्ण दोनों दोस्त हैं, लेकिन वो किसी अपने रवि और कृष्ण दोस्त हैं और रमेश की बात करते हैं, तो जो रमेश है वो अन्य पुरुष कहलाए। निश्चयवाचक में जब हमें किसी चीज की निश्चितता, निश्चित पता है कि हाँ ये चौक है, तभी हम उसकी बात करते हैं कि हाँ ये यह चौक है, यह पेन है, वह स्त्री है, वहाँ लड़की खड़ी है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो हमारे निश्चयवाचक में आते हैं। अनिश्चयवाचक में जैसे कि हमको कुछ पता ही नहीं होता है, वहाँ कुछ पानी में कुछ गिरा है, दाल में कुछ काला है, वहाँ कोई आया है, उसने कुछ पूछा है, ये सारे जो शब्द हैं कुछ, कोई, किसी ने, तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क, कहाँ गए थे, किसने बुलाया, कैसे खाया, ये सारा प्रश्नवाचक है। संबंध में काकी के रानी ने जो शब्द आते हैं वो हमारा संबंधवाचक होता है। मम्मी रवि की बहन के लिए साड़ी लेने गई, तो किसके लिए साड़ी लेने गई? रवि की बहन के लिए। गाय कहाँ खड़ी है? मंदिर के पास खड़ी है। इस तरीके की जो शब्द है वो संबंधवाचक बनाते हैं। नींद में जब हम अपना काम स्वयं करते हैं, स्वयं, अपने आप, खुद, ये जो शब्द है ये हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। थैंक यू क्लास। ओके, टेक केयर।